तो यार तुम चाहे कितनी भी महंगी से महंगी पेन खरीद लो, अगर पेन की क्वालिटी पता करनी है तो उसको पूरा यूज़ करना पड़ेगा, उसको रिफ़िल करना पड़ेगा, तभी उसमें की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं वो दिखेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं स्टेशनरी ज्ञान चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पायलट V7 के बारे में। मेरे पास अभी ये कार्ट्रिज सिस्टम वाली पेन जिसमें कि हम रिफ़िल कर सकते हैं, कार्ट्रिज यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसको एक टाइम यूज़ किया, उसके बाद मैंने इसमें कार्ट्रिज फिल करी, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिली, जैसे कि इसका इंक फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इंक जो थी वो बहुत तेज़ी से बाहर आती थी और काफ़ी ज़्यादा फैल भी जाती थी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको, मतलब मैंने बंद करके रखा था कैप में, तो ये कैप से लीकेज हो रहा था। अब पता नहीं निब से इंक कैसे बाहर आ रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन कैप से बाहर आती थी और कहीं लीकेज नहीं दिख रहा था मुझे। और इस लीकेज की वजह से जो मेरी इंक है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। मतलब मैं, यार मैंने मुश्किल से एक दो बार इसको यूज़ किया होगा नोट्स बनाने के लिए, उसके बाद ये इंक मैंने देखा तो ख़त्म हो गई थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम मुझे इस वाले यूनिट के साथ फेस करनी पड़ी। आई डोंट नो कि बाकी सारी पेन्स के साथ ऐसा होता है या नहीं, बट हाँ ये मेरी पेन के साथ हुआ है। तो ये था जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि एक पेन को मैं पूरी तरीके से जब यूज़ कर लेता हूं उसके बाद मैं उसको टेस्ट करता हूं कि क्या लास्ट तक वो सही से चली है। तो इसके साथ ऐसा हुआ पहली रिफ़िल के बाद ही। तो थैंक यू।